आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच में एक नया मोड़ आ गया दर्शकों, एक नई ट्विस्ट आ गई है और एक वो चेहरा जो राजस्थान की सबसे बड़ी चेहरा रही हैं, भले आज बीजेपी उनको ज़्यादा तवज्जो ना दे रही हो, लेकिन उनका एक वक्त में बहुत ज़बरदस्त जो है लहर था, उनका अपना पलड़ा भारी था और आज उन्होंने खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हो रहे हमलों के साथ साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई को लेकर उन्होंने बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए दर्शकों आपको बताते हैं। गहलोत पायलट विवाद पर वसुंधरा की खरी खरी उन्होंने सुनाई है। माफ कीजिए, वसुंधरा राजे को दर्शकों आप बाखूबी तरीके से जानते हैं, उन्होंने खरी खोटी सुनाई है। क्या सुनाई है वो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले बता दूँ, और कांग्रेस में रार पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। पहली बात उन्होंने ये कही कि देखिए, राजस्थान को दोबारा जीतने वाले, फिर से सरकार बनाने वाले जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वसुंधरा राजे ने कहा साफ शब्दों में, पहले जो खुद मुख्यमंत्री बनने का जो लालच है, खुद आपस में जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, पहले उससे तो जीत लो, पहले उसको तो सुधार लो, पहले उसको तो दुरुस्त कर लो और उसके बाद फिर से राजस्थान जीत लोगे। मैं थोड़ा सा इस पर समर्थन कर रहा हूँ वसुंधरा राजे जी का, बिल्कुल सही कह रही है भाई, आपसे अंतर्कलह सुधर नहीं रहा है। आप पंजाब में आपका क्या हाल हुआ, इसी लड़ाई अंतर्कलह की वजह से आपने सरकार आपके यहाँ से चले गई, जीत नहीं पाए और आप जो है दूसरे पर ही हमला बोल रहे हैं, सिंधिया पर वगैरह वगैरह। तो वसुंधरा राजे जी का कहीं ना कहीं ये हमला मुझे ठीक इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले आपका घर ही ठीक नहीं रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगी तो फिर लोगों के उलझनों को क्या आप सुलझाएंगे, तो ये एक बड़ी मुसीबत है। बहरहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई हम आप जानते हैं कि 91 विधायकों की लड़ाई, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया वो जा चुका है अब हाई कोर्ट में, वहां से क्या फैसले आते हैं देखना पड़ेगा सीपी जोशी का। लेकिन एक हकीकत तो है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी की बात चुभ गई होगी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कि कितनी बड़ी बात कह दी, खुद को संभालिए उसके बाद राजस्थान संभाल पाएंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।